अस्सलाम वालेकुम क्लास बेटा, अब आ जाएं अपने डिफरेंसेस पे। डिफरेंसेस मैंने ऑल दो आपको होमवर्क दिया था, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास के अंदर। तो आपको इससे पहले मैंने एक्वा सॉल्यूशन की तीन टाइप्स बताए, तीन तो खैर नहीं, चार थे वैसे, लेकिन आपके तीन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशंस। उन्हीं को यहाँ पर आपने डिफरेंसेस के थ्रू बताना है कि इनमें फर्क क्या है, इन तीनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है। तो एक एक पॉइंट जो आपकी किताब में लेके चल रहे हैं वैसे ही लेके यहाँ पर भी चल रहा हूँ। सैचुरेटेड है पहले, फिर अनसैचुरेटेड है, एंड देन सुपर सैचुरेटेड है। कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है तीनों के तो आगे हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपसे कहा हुआ है डिफरेंस तीनों में कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट आ सकता है विच कैन बी डिजोल्व इन सॉल्वेंट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत अहमियत रखता है यहाँ पे। अनसेचुरेटेड में क्या होगा, आपके पास मैक्सिमम के बजाय मैक्सिमम से कम, मिनिमम भी नहीं कहेंगे ना ही आप मैक्सिमम कहेंगे, आप कहेंगे कि आपके पास अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है वो डिजोल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर इन लेसर क्वांटिटी और एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहाँ पे भी पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, लेकिन यहाँ पर एट अ लेसर क्वांटिटी लिखेंगे। मैक्सिमम अमाउंट की जगह आप अमाउंट लिखेंगे, लेस देन, आप लेस देन तो ना कहें, आपके यहाँ लेसर क्वांटिटी है, किसी से कंपेयर करवाने की जरूरत ही नहीं है। और तीसरा आपके पास यहाँ पर सुपर सैचुरेटेड है। सुपर सैचुरेटेड क्या है कि आपका मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व होगा इन द सॉल्वेंट। तो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन सॉल्वेंट, ये आपका एट हाई टेम्परेचर, एट एलिवेटेड टेम्परेचर या आफ्टर हीटिंग तब डिजोल्व होता है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी पे हम इसको उससे भी ज्यादा अगर एनहेंस कर दें, एक तो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी सैचुरेटेड सोल्यूशन में, आफ्टर हीटिंग हम उसकी कैपेसिटी बढ़ा दें और एक्सीड कर दें, तो मैक्सिमम कैपेसिटी को भी एक्सीड कर दें। तो ऐसे टाइप को आप पढ़ रहे थे सुपर सैचुरेटेड में, यही आपकी अंग्रेजी में लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, जो जो मैंने अभी जुमले बताया उसमें थोड़ा बहुत आप मॉडिफिकेशन करके इसको यहाँ पर लिख दें। लेकिन इधर जो टेम्परेचर का जिक्र नहीं है अनसेचुरेटेड और दूसरे वाले में, अनसेचुरेटेड के अंदर तो चले आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है पर्टिकुलर टेम्परेचर, लेकिन सैचुरेटेड के अंदर आपके पास यहाँ पर सुपर सैचुरेटेड के अंदर टेम्परेचर का जिक्र नहीं, तो आप लिख दें कि एट एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट पे आ जाएं, सैचुरेटेड के बाद ऊपर बात कर रहे हैं। द सोल्यूशन हैज, इसके ये जो सोल्यूशन है इसकी हाई कंसेंट्रेशन होती है, यहाँ कंपेयर करवा दिया एज कम्पेयर टू अनसेचुरेटेड। जो आपके पास सेचुरेटेड है उनकी कंसेंट्रेशन, जब आप टैंक बनाते हैं ज्यादा चम्मच उसके डाल देते हैं तो आप कहते हैं कंसेंट्रेटेड बन गया, खट्टा बन गया, वो तो आप टेस्ट बता दें, लेकिन वो बेसिकली कंसेंट्रेटेड होता है। वहीं पे आप कम चम्मच डाल दें वो कहलाएगा डाइल्यूट है। तो अनसेचुरेटेड क्या है, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर लो कंसेंट्रेशन होगी, एक में हाई कंसेंट्रेशन, मतलब क्या है, मिकदार वैल्यू ज्यादा है एक में कम है, एक में क्वांटिटी ज्यादा है सोल्यूट की, एक में क्वांटिटी कम है। तो कंसेंट्रेशन का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक फिक्स वॉल्यूम में, एक के अंदर, किसी एक के अंदर ज्यादा वॉल्यूम है, ज्यादा अमाउंट है, और एक के अंदर कम अमाउंट है। तो सेकंड आपका अनसेचुरेटेड जो है उसके यही होगा, इसके अंदर लो कंसेंट्रेशन होती है एज कम्पेयर टू सेचुरेटेड सोल्यूशन। और सुपर सेचुरेटेड क्या है, इसके अंदर सेचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज्यादा कंसेंट्रेशन होती है, यानी अगर मैक्सिमम 20 ग्राम आ सकता था तो इसमें 22 ग्राम आ जाएगा। 22 पे लिमिट अगर एक्सीड हो चुकी है तो 23 ग्राम नहीं आएगा, यानी 1 ग्राम फिर वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, लेकिन 22 ग्राम यानी वहां पर 20 ग्राम मैक्सिमम था, आपने हीट किया 2 ग्राम और डाल दें तो मैक्सिमम कैपेसिटी एक्सीड हो जाती है सुपर सैचुरेटेड के अंदर। तीसरा पॉइंट है, इनके अंदर कोई फॉर्मेशन नहीं होती प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे, आप उसको गर्म करें, हीट करें, आप लोगों ने अगर वो एक्टिविटी की हो तो आप लोगों को वो एक्सपीरियंस हुआ होगा, देखा होगा, तो जब आप ज्यादा क्वांटिटी डालते हैं और वो गर्म करने की वजह से डिजोल्व हो जाती है, फिर आप उसको बंद कर दें चूल्हे को, ठंडा होने दें अपने सोल्यूशन को, तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद वापस क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं जो पहले डिजोल्व हो गए थे। अगर आपने ये किया था घर पे तो आपने इस तरह से देखा होगा। तो बहरहाल अगर ऐसा किया है आपने, वो नीचे सॉलिड पार्टिकल्स इकट्ठा होते हुए देखें, तो किसी भी लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स बाद में इकट्ठा अगर होते हैं तो उस सॉलिड पार्टिकल्स को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन होती है, जाहिर है सॉलिड नीचे ही बैठेगा, हवा में तोड़ेगा नहीं, ऐसे थोड़ी है कि आपका सॉलिड बन गया, सॉल्यूट आपका डिजोल्व हुआ, सॉलिड बन गया,
अब वो सॉलिड नीचे बैठने के बजाय पानी छोड़ के ऊपर उड़ना आसमान में शुरू हो गया, ऐसा तो होगा नहीं, तो नीचे ही बैठेगा एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर या जो भी आपने लिया था। बहरहाल नेक्स्ट पे आ जाए, देर इज ऑल्सो नो प्रेसिपिटेशन, आपके जो सैचुरेटेड है उसमें भी प्रेसिपिटेशन नहीं होती, जो अनसेचुरेटेड है उसमें भी प्रेसिपिटेशन नहीं होती। मैंने आपसे कहा था कि आपने 1-2 चम्मच टैंक के डालने या चीनी के डालने, वो डिजोल्व आराम से हो जाएगा, लेकिन जब सैचुरेटेड बनाएंगे तो डालते रहेंगे, तब तक डालते रहेंगे जब तक आपके पास डिजोल्व होना बंद ना हो जाए। यानी अब आपने 1 चम्मच या आधा चम्मच भी डाला, वो चीनी एज इट इज नीचे बैठ गई, वो आपकी मिक्स हो ही नहीं रही, डिजोल्व हो ही नहीं रही, तो वो आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। दोनों के अंदर प्रेसिपिटेशन नहीं होती और आपके कोई फॉर्मेशन जाहिर नहीं हो रहा, तो आपके बॉटम में ऑफ द कंटेनर में बैठेंगे भी नहीं। लेकिन सुपर सैचुरेटेड के साथ ऐसा होता है, एग्जाम्पल मैं भी दे चुका हूँ कि आपके प्रेसिपिटेशन होगी, जैसे जैसे ठंडा होगा सोल्यूशन वैसे वैसे सॉलिड पार्टिकल्स दोबारा बनेंगे, क्रिस्टल्स दोबारा बनेंगे, जो भी होगा प्रेसिपिटेशन वहां पर हो जाएगी, प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो ये आपकी एग्जाम्पल, इसकी ये जो अभी पॉइंट हमने डिस्कस किया इसकी एक एग्जाम्पल नेक्स्ट पॉइंट में दी है कि एक सोल्यूशन है लेट सपोज 100 सेंटीमीटर क्यूब का। अब 100 सेंटीमीटर क्यूब बोलें या 100 ml बोलें एक ही बात है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब का एक आपने वाटर सोल्यूशन बनाना है, तो आपने उसके अंदर 20.9 ग्राम सोडियम सल्फेट डाला, तो आपके 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 100 ml के अंदर 20.9 ग्राम आप डालेंगे एट 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपको एट पर्टिकुलर टेम्परेचर भी बताना है, एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर तब आपको सेचुरेटेड सोल्यूशन मिलेगा। पहले से बता दिया 100 ml का आप या 100 सेंटीमीटर क्यूब का एक जग लें, या आपके बीकर लैब्स के अंदर पड़े होते हैं स्कूल वगैरह के अंदर देखेंगे, तो उस बीकर में 100 ml डालें या 100 सेंटीमीटर क्यूब डालें, दोनों एक ही हैं, और उस पर 20.9 ग्राम एग्जैक्ट अमाउंट आपका जब डल जाएगा, तो अब जो आपने 100 ml डाला था वो पूरा उसको डिजोल्व कर लेगा। अब 20.9 के बाद जब 21 करेंगे यानी 0.1 ग्राम भी ऐड करेंगे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, आपका ये सैचुरेटेड सोल्यूशन तो बन चुका है, अब इजाफी 0.1 ग्राम नीचे बैठ जाएगा, वो आपका डिजोल्व नहीं होगा, इसका मतलब ये है। अब अनसेचुरेटेड में यही एग्जाम्पल है, इसमें क्या कहेंगे 20.9 से लेस ले लें, अब आपकी मर्जी है, आप 2.09 ले लें, आप 5 ग्राम ले लें, 10 ग्राम ले लें, 20.9 ग्राम से लेस अमाउंट रखेंगे तो आपका अब डिजोल्व तो वो सारा ही होगा, लेकिन अभी उसके अंदर जगह खाली है। फिर भी एक क्लास में ये जो आप क्लास बैठे हैं इसके अंदर 90 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, लेकिन हम 90 नहीं बिठाते क्योंकि 90 स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाना बाकी टीचर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। मैं तो 90 भी पढ़ा दूं मुझे मसला नहीं, और पढ़ाया भी हमने, लेकिन वो फिर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, हम लिमिटेड रखते हैं जगह को। तो आपके अभी क्लास में जगह है, अगर स्टूडेंट और मुझे दूसरी क्लास के भी बिठाने हुए या दूसरा सेक्शन होता तो वो बिठा देता, तो जगह तो है, लेकिन जब ये पूरी क्लास भर जाएगी एक बच्चे की भी जगह नहीं होगी, तो इस क्लास को हम कहेंगे कि ये सैचुरेट हो चुकी है, ट्रैफिक जैम होता है, हम कहते हैं रोड ब्लॉक हो गई है, इसका दूसरा टर्म ये भी होता है रोड आपकी सैचुरेट हो चुकी है। लेकिन वहीं इस क्लास के अंदर अगर जगह कम हो या रोड की बात करें, रोड में ट्रैफिक आपकी इतनी ना हो, एक लाइन में, उसको हम लाइन नहीं कहते उसको हम लेन कहते हैं, एक लेन में 2-4 गाड़ियां ही चल रही हैं, तो आपकी रोड तकरीबन खाली है, तो वहां पर आपके पास क्योंकि जगह खाली है अभी और गाड़ियां आ सकती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि अभी सेचुरेशन नहीं हुई है। सेचुरेशन ना होने क्या होता है, अनसेचुरेटेड, तो क्लास में भी जगह है तो समझ लो क्लास अभी सेचुरेट नहीं हुई, यानी क्लासेस अनसेचुरेटेड। वहीं पे अगर एक लाइन में 5 बच्चे बैठते हैं, मैं 6 से बिठा दूं, सातवें को भी कुछ करके हम दबा दें, घुसा दें कि आप लोग बस हिल भी ना सकें, तो क्या होगा, आपकी क्लास अब सुपर सेचुरेटेड हो जाएगी। आपकी क्लास में जगह 90 की थी, मैं 100 बिठा दूं तो क्या होगा, आपकी क्लास सैचुरेट तो पहले ही हो चुकी थी 90 पे, लेकिन अब सुपर सैचुरेट हो चुकी है। तो आपके यहाँ पर सॉल्यूशंस के साथ भी ऐसा होता है। अब एग्जांपल्स पे थे, एग्जांपल में क्या कहा है कि आपके 100 ml के अंदर या 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 20.9 से कम क्वांटिटी लेस क्वांटिटी ले लें एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये एग्जाम्पल है ऑफ आर अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। और थर्ड आपके पास यहाँ पर जो सुपर सैचुरेटेड है उसमें क्या होगा, 20.9 ग्राम्स डालने पर आपका सोल्यूशन हो रहा था सैचुरेटेड, अब 20.9 से ज्यादा, अब यानी बताया ना आपने बताने कितना ज्यादा, लेट अस अज्यूम हो सकता है 25 ग्राम्स तक इसकी कैपेसिटी हो, तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक लिमिट तक ये ऐड करता जाएगा, तो
तो यहाँ पर आपके पास सोल्यूशन मोर देन, या आप इसको लिख सकते हैं मोर अमाउंट ऑफ 20.9। तो 20.9 से ज्यादा अमाउंट, मोर देन 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट, या सॉल्ट की एग्जाम्पल दे रहे हैं तो डायरेक्ट सॉल्ट ही लेंगे। सॉल्ट कौन सा? सोडियम सल्फेट, ये जो सैचुरेटेड में लिखा था सोडियम सल्फेट, वही वाला सॉल्ट है ये। सोडियम सल्फेट इज ऑल्सो अ सॉल्ट, सॉल्ट सिर्फ NaCl नहीं होता, आपके पास सॉल्ट ये भी है। तो बहरहाल आपका ये सॉल्ट अगर 20.9 से ज्यादा होगा, एट 20 अबव 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर ये गलती है कि आपके पास मोर सोल्यूशन आ रहा है 20.9 पे एट 20 डिग्री, बल्कि सही है यहाँ पर, इसलिए सही है कि जब आपका सोल्यूशन ठंडा होकर वापस 20 पे आएगा तो अब आपका ये 20.9 डिजोल्व नहीं कर चुका होगा। अब हो सकता है ये 22 या 23 ग्राम डिजोल्व कर चुका हो, तो ये गलत नहीं है, सही है कि आप वाटर ले रहे हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें 20.9 डाला, सेचुरेटेड हो गया, उसको आपने लेट सपोज 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके गए, उसमें आपने और 1 2 ग्राम डाल दिए, 3 4 ग्राम डाल दिए, ठंडा करने पर आपको इजाफी सॉल्ट जितना भी था वो सारा प्रेसिपिटेशन के थ्रू मिल गया, और आपने जो सोल्यूशन था उसको अलग इकट्ठा किया। जैसे बचपन में अगर आपने कभी पानी को छानते हुए देखा हो, तो पहले जब फिल्टर्स नहीं होते थे, आपके जमाने में तो खैर फिल्टर्स हैं, हमारे जमाने में फिल्टर्स नहीं होते थे, तो क्या होता था, घर में एक बड़े से बर्तन में पानी बॉयल होता था, उस पे हम कपड़ा रखते थे, फिल्टर क्लॉथ कहते हैं वो रखते थे, तो आपके पास उसमें बहुत बारीक से दाने होते, पानी उसमें से पास हो जाता था, लेकिन कोई भी सॉलिड पार्टिकल है वो उसमें फंस जाता था, तो एंड में जो मिट्टी वगैरह के जर्रात होते थे या दूसरे आपके इंप्योरिटीज होती थी वो सारी उधर रुक जाती थी और पानी फिल्टर होके मिल जाता था। तो यहाँ पर भी आपके पास इस तरीके से अलग कर लें, तो अब जब आप देखेंगे तो पानी के अंदर 20.9 से ज्यादा ही ग्राम्स ऐड हुए हुए होंगे एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके डिफरेंसेस थे जो कि मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिए हैं ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। ये आपका टॉपिक कंटिन्यू ही है जो मैंने लास्ट क्लास टॉपिक करवाया था आपके टाइप्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, तो उसी की कंटिन्यूटी में है। बहरहाल अब इसके बाद आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपका जो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का टॉपिक है उसके हैं, तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन डिफरेंसेस में।